Plan was really simple that we want to bring together all the you know all the thing in one ground, चाहे वो social field हो, चाहे वो national field हो, चाहे वो sports की team हो, या फिर glamour या फिर event की team हो, हर कोई को एक साथ जोड़ जोड़ के रखना ये हमें। हाय, दिस इज़ जावेद हुसैन एंड वॉचिंग JKB न्यूज़। मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस वक्त जो NKDA स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ पे एक ज़बरदस्त मैच, क्रिकेट मैच देखने को आ रहा है। अभी यहाँ पे इंटरवल हुई है, मतलब सेकेंड इनिंग होने वाली है, और यहाँ पे आइए जो ऑर्गेनाइज़र है अंकित शाह और जंक्शन हाउस, तो आइए मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी बताएं अंकित, क्या जावेद साहब, मैं देखा कि आप एंकरिंग किया, आप एक इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान का, और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपने आज एक ऑर्गेनाइजिंग भी करके मैच जो होता है वो करके दिखा दिया, जो एक प्लेटफॉर्म पे जात धर्म सभी को लेकर एक ऐसा मैच, क्रिकेट मैच किया है जो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। आप बताएं क्या जावेद साहब, सबसे पहले आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप सभी आज यहाँ आए हैं और अच्छे कार्य को ही आप कवर करते हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन और शुक्रिया। और जैसे कहते हैं ना कि जो भी स्थान लो वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो आई हैव बीन एन एंकर, और अभी आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के प्यार के साथ हम सभी ने हमने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है, क्रिक प्ले कॉर्पोरेट क्रिकेट नॉकआउट। राज मास्टर माइंड ऑफ दिस इवेंट। कितना टीम में हिस्सा लिया है इसमें? तकरीबन 12 टीम्स ने लिया है, उनके नॉकआउट्स हुए हैं, उसके बाद हमने उसका अलग अलग प्रोसेस है, हमने उन्हें क्वालिफाई कराया है सेमीफिनाले में। ये दिमाग में कैसे आया कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ क्रिकेट? ये दिमाग में मेरी जिंदगी में नहीं आता, जब तक ये इंसान ना होते इन्होंने प्लान किया कि चलो कुछ नया किया जाए, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो चलो ठीक अब जब लग गया है तो करके निकालते हैं। इतना खूबसूरत होगा ये हमने सोचा नहीं था। ये मैं बता दूं कि ये राज है, और राज जो है मैं देखते रहता हूँ, हमेशा इवेंट्स में जाता रहता है, और जाकर ये सी देखा देखने को आज आया कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर बन गया, ये बहुत काबिल तारीफ है। क्या बोलना चाहोगे बताओ? धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग इस मैच को कवर करने के लिए आए, तहे दिल से मेरा शुक्रिया है इस मैच में। यहाँ पर जो चीज़ को हमने डालने की कोशिश किया था कि ब्लाइंड चाइल्ड के साथ एक गेम किया जाए, क्रिकेट तो सभी जगह होता है, सभी जगह मैचेस होते हैं, हम लोग बहुत सारे क्रिकेट मैचेस देखे, बहुत कुछ देखे, ऐसा कभी नहीं देखा कि स्पेशल चाइल्ड खेल रहा है मैदान पे, भले ही 4 ओवर की मैच हो, 6 ओवर की मैच हो, कोई फर्क नहीं। चाइल्ड से मुराद क्या है, क्या है इसे? इसके ये चीज़ सबको एक चीज़ दिखाने की कोशिश है कि हम लोग ये ना सोचे कि हमारे में कोई कमी है, हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये लोग खेल सकते हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग चाहे तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कोई क्रिकेट मैच हो सके। ये जो आपने ऑर्गेनाइजिंग किया है क्रिकेट का, ये पहला है? ये पहला बार मैंने किया है इंडिया में, मैं बहुत कम काम करता हूँ, मैं टोटली इंटरनेशनल में काम करता हूँ, मेरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USUK में, कनाडा में मेरा ट्रिप चलता है, एशिया में मेरा ट्रिप चलता है, अभी फिलहाल मैंने 2 DMCs लिए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ आया और दिखाए, ये है, ये देख सकते हैं आप, ये विकेट है, और पिच बहुत गंदा लग रहा है मुझे, ये देख सकते हैं कि बहुत ये पिच मुझे बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है तराना हयात, वो भी आए हुए हैं, इन लोगों से वो बात करेंगे। क्रिकेट का ये जो नया जो कॉन्सेप्ट जो किया है तो बिल्कुल नया, और कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये आप लोगों के तरफ से सुनने को मेरे को मिलेगा कि कैसा हुआ ये प्रोग्राम, कैसा रहा ये प्रोग्राम, जब तक आप लोग रहेंगे, जब तक आप लोग कवर करेंगे, आप लोगों से वो फीडबैक हमें मिलेगा। ये लोग फिनेंशियल सेक्टर से है, सारा दिन बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़ा एक दिन के लिए आपने आपको खुल के थोड़ा महसूस करें, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यानी कि इस वक्त फिलहाल अभी फिंगर क्रॉस्ड है, हम एकदम अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि लास्ट मैच जब तक नहीं हो, जब तक विनिंग की ट्रॉफी किसी के हाथ में ना चला जाए तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। विनिंग ट्रॉफी जब हाथ में चला जाएगा तभी इस मैच की पूरी सक्सेस को बताया जाएगा कि कैसे इस मैच को हुआ और कैसे हम लोग इसको किए हैं पूरा। यहाँ पे जो ग्राउंड है अभी यहाँ पे मैच खेली जाएगी, और सभी लोग यहाँ पे मैदान में तैयार है उतरने के लिए, बस जल्द से जल्द ही सब लोग उतरेंगे और खेल बस शुरू होने ही वाली है, देखते हैं किसकी जीत होती है। और हमारे साथ इस वक्त अंकित शाह है, बहुत ही फेमस मशहूर एंकर है, जो आप सभी लोग इनको जानते होंगे, कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया और कैसे आया? तराना जी, सबसे पहले आई एम हैप्पी कि आप यू आर टेकिंग माई बाइट, मेरा सौभाग्य है, मुझे खुद अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर खुद हूँ आप। प्लेजर, थैंक यू सो मच JKB न्यूज़। सो बेसिकली ऑल द JKB न्यूज़ एंड ऑल द टीम, थैंक यू सो मच। सो द प्लान वॉज रियली सिंपल दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंक टुगेदर ऑल दी यू नो ऑल द थिंग इन वन ग्राउंड, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे वो नेशनल फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की टीम हो, या फिर ग्लैमर या फिर इवेंट की टीम हो, हर कोई को एक साथ जोड़ जोड़ के रखना ये मेरी आइडिया और टीम की आइडिया थी। सो वी आर ऑल हैप्पी कि हम सभी ने इतना ग्रैंड और इतना खूबसूरती से हमने एक प्लान किया। तनवीर इज़ देयर, विनीता दी, रेनू दी, एंड ही इज़ ऑल्सो हियर, तो हम लोग सब मिल के काफ़ी खुश हैं। आप सभी के सपोर्ट, किसी ने कहा कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, और इतनी खूबसूरती से हुई है, सो ऑल ग्रेस ऑफ गॉड।
तो इस वक्त हमारे साथ नीता सिंह और तनवीर खान, तो उन दोनों से भी हम लोग बातें करने की कोशिश करते हैं, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इनका क्या क्या है। एक्चुअली देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है या इवेंट होता है वो अकेले तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो हमारे कोर में से एक जन है जिनका ये होल एंड सोल कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट को लेके आना है, जिसमें आप ग्लैमर भी ऐड कर सके, सोशल भी ऐड कर सके, एंड टोटली जितने भी ग्लैमर फील्ड की जो है और सोशल एक्टिविस्ट है, प्लस एंकरिंग पार्ट एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज बीन इन्वॉल्व। और इस तरह से हम लोगों को ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। और ये कितने दिन से ये प्लान था आप लोगों के माइंड में? 3 days वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस, यानी कि पूरा का पूरा 3 दिन में ही आप लोगों ने ये पूरा कम्प्लीट? जी जी जी, हम लोग 3 दिन में ही ये पूरा किया है। और कोलकाता चैलेंजर्स उसको एज हमेशा सपोर्ट करता है तनवीर को, बिकॉज वो मेरा भाई भी है, तनवीर भी मेरा भाई है, दे बोथ सपोर्ट मी एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट देम। स्पेशल फैक्टर वॉज दैट ब्लाइंड गेम, आई एम अ सोशल वर्कर, सो आई वुड लव टू प्रेज देम, और मैं आगे भी ऐसे ऐसे इनिशिएटिव करना चाहूँगी। सबसे पहले शुक्रिया JKB न्यूज़ का, जावेद साहब एंड मिस हयात। एंड देन आप जैसे कि देख रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, हम तो ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं बोलेंगे, बट देन आइडिया जो इनिशिएटर है इसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। सो पहला तो है अंकित एंड देन राज। अब उसको हम लोग ने सपोर्ट देने के लिए जितना हो पाया, देन मी एंड विनीता स्टैंड टुगेदर एंड दिस इज हाउ वी फॉर्म अ टीम, द कोर टीम। एंड आज वो देख रहे हैं हमारा आउटकम है, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव ऑल द लवली लेडीज फ्रॉम द ग्लैमर फील्ड टू कम एंड सपोर्ट अस इन अ वे। एंड यहाँ की जो स्पेशल बात थी आज के क्रिकेट में कि हम हमेशा इंक्लूसिव की बात करते हैं, आज हमने देखा कि कुछ बच्चे, कुछ टीम जो 85% टू 97% ब्लाइंड है, वो बच्चे यहाँ पर आकर क्रिकेट खेले और बहुत ईज के साथ खेले। तो वो बहुत मायने रखता है कि जब हम सिर्फ बातें ना कर इंक्लूसिव की, बट लोगों को ये दिखाए कि हम कर सकते हैं। तो आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे, हमारे साथ जुड़ते हुए रहिए। एंड थैंक्स JKB न्यूज़ फॉर वंडरफुल कवरिंग एट सो। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ रिनू सिंह, आई एम अ ट्रेजर फॉर कोलकाता चैलेंजर। आई डोंट नो हु इज प्लेइंग, नहीं, बट आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम सपोर्टिंग द टीम, दैट्स इट। सबकी हिम्मत बनने के लिए एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रेसिडेंट एंड तनवीर भाई। ये लोग बहुत मेहनत किए लास्ट 2 से 3 दिन में, बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो इसलिए इतना पॉसिबल हो पाया। और राजू और अंकित भाई भी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब काम किए इस मतलब में। हमारे साथ इस वक्त अरूप मुखर्जी है, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है अभी हमारे बीच। जी, प्रोग्राम पूरा हो रहा है या टूर्नामेंट का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं JKB न्यूज़ को, जो हमारे साथ हर वक्त हमको कवर करते हैं, क्योंकि आप लोग जर्नलिज्म में हैं, ये लोग अपना, जैसे हम लोग अपना आईना देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो ये अपना ये जर्नलिज्म जो है, कोई फोटो जर्नलिस्ट हैं आप लोग, न्यूज़ मीडिया हैं, ये लोग अपना जो काम करते हैं वो अपना चेहरा को अपने समाज में आप फोटो के माध्यम से देते हो या अपने कलम के माध्यम से देते हो, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई एम ऑनर्ड। तो तनवीर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनीता को, अंकित को, राज को, जो आज हमको एक मौका मिला है इस जगह आने के लिए। इट्स अ नाइस जेस्चर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, देखो ये स्पोर्ट्स एक माध्यम है लोगों के बीच में पहुँचने का। अभी का जो दौरा चल रहा है, कुछ लोग आए हुए हमारे विभाजन के लिए, तो ये एक माध्यम है। यहाँ कोई रिलीजन का बात नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा का बात नहीं। अभी देखा कोई डिस्ट्रीट्यूट्स एंड अंडर प्रिविलेज का एक गेम हो चुका है, जो ब्लाइंड है, दे आर मैंने स्पेशल चाइल्ड। ये एक माध्यम है, ये जो एक अपना एक कोशिश है ना लोगों को एक जगह बांधने का, ये हमारे जगह आज बहुत अभाव है। तो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि इस इवनिंग को मैंने विटनेस हिसाब से हमको एक एज अ विटनेस हमको बुलाया है। तो विनीता, अंकित और ये सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा काम हो। रवि जायसवाल भी है इस वक्त हमारे साथ में, हमारे बीच, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम इसके बारे में क्या कहना है। जी हाँ, पहले तो ये बोलना चाहूँगा, क्रिक प्ले इज़ वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट जो मैंने देखा है इस दौरान, कि 3 दिन के अंदर में इतना सुपर अरेंजमेंट, सुबह से शाम के अंदर में इतने सारे कॉर्पोरेट टीम्स खेल रही हैं, इसमें स्पेशल अट्रैक्शन डाला गया ये ब्लाइंड टीम्स को लेकर। जैसे दादा ने अभी बोला कि यहाँ पे ये एकता का माध्यम है, यहाँ कोई धर्म नहीं पूछते हम और ना किसी का सरनेम पूछते हैं, वी ऑल आर प्लेइंग हियर। सब आए हैं और जितने भी अलग अलग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडियम से हों, चाहे वो फैशन से हों, चाहे वो इवेंट से हों, सब एक साथ हैं, वी ऑल आर इन्जॉइंग और सब इसको विटनेस कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में, किस तरह के इवेंट्स आगे भी हों, सब एक साथ आएँ, ताकि जितने भी लोग जो सक्षम है इस तरह के इवेंट्स कराने में, लोगों को एक साथ लाने में, वो आगे बढ़ के इस काम को कर पाए। सपोर्ट तो हमारा हमेशा रहेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स इज ऑलवेज विद विनीता एंड द टीम, अंकित इज अ ब्रदर टू मी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनीत दुबे टीना, जो यहाँ पे एज अ ब्रांड फेस जो यहाँ पे आई है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनीत है और मैं बाय प्रोफेशन एक फैशन स्टाइलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। ये क्रिक प्ले में सबसे बड़ा आने का वजह जो है ये है कि यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड परफॉर्म कर रहे हैं, आई मीन प्ले कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। और फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं स्टेडियम में आके ये मैच देख रही हूँ, सो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इस तरीके का इवेंट आप क्या पहले अटेंड कर चुकी है या फर्स्ट टाइम?
पहले तो मैंने डेफिनेटली मैचेस देखे हैं ईडन में, बट ऐसे स्टेडियम में आके मैचेस नहीं देखे हैं. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस जाता है. तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे उनको परफॉर्म करते हुए, मैच खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे को इतने वो टैलेंटेड लग रहे हैं. मेरे को एक बार को अगर कोई अनजान यहाँ पे खड़ा होकर मैच को देखेगा तो वो जान ही नहीं पाएगा कि ये स्पेशल बच्चे. शाहाना मलिक भी है. पहले अपनी एक शायरी से बोलना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. गर्दिश की अगर चाहो तो और हौसले हो बुलंद, मंजिल नज़र आती है अगर चाहें वो मंद. सो ये मेरे लिए तो बहुत ही उमदा बात थी कि मैं यहाँ पे आई और मैं विटनेस कर सकी ये वाले प्रोग्राम को. विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जिनको कि समाज से बहुत ही अलग थलग कर दिया गया है कहीं ना कहीं, पर अब वो समाज के मेन स्ट्रीम में है. और इट्स गुड दैट कि तनवीर और अंकित ने मुझे वो चांस दिया कि मैं यहाँ का विटनेस करूँ. सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई विटनेस दिस प्रोग्राम एंड दिस मैच. सो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे और इस तरह के प्रोग्राम्स में आऊँ और इनके इस तरह से उनको हौसला अफजाई करूँ. और मैं अगले दिन अपने ही शोज में इस तरह के लोगों को लेकर एक बड़ा शो करने वाली हूँ बहुत जल्द. उम्मीद करती हूँ अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो हम उसको लेकर और आगे. हमारे बीच सर शताब्दी रॉय. आई एम एन इवेंट प्लानर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ मार्केटिंग हेड ऑफ नेशनल मैगजीन वंग्स धाड़ा एंड ऑल्सो द रीजनल डायरेक्टर ऑफ IBSW ईस्ट इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ WICCI. एज अ ब्रांड फेस ऑब्वियसली आई एम ऑनर्ड एंड ग्लैड कि मैं यहाँ जुड़ सकी हूँ इस इवेंट के साथ. एंड यहाँ पे आके नो यू आई एम रिकॉलिंग माई स्कूल डेज, माई कॉलेज डेज, जैसे हम लोग इन्जॉय करते थे, प्ले ग्राउंड पर खेलते थे एंड ऑल दैट. आई एम रिकॉलिंग ऑल दैट डेज. थैंक यू सो मच उस मतलब दिन वहाँ पे वो पुराने दिन याद दिलाने के लिए. तो आई एम एन्जॉइंग दैट एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दे हैव टेकन. वक्त मौसमी मिश्रा भी है यहाँ पे ब्रांड फेस के तौर पे, वो भी यहाँ पे आई मिलने के लिए आए हैं ना. वो लोग तो अपना खुद का आँख से देख नहीं सकते हैं, खुद का अच्छा से कुछ कर नहीं सकते हैं. हम लोग तो कर सकते हैं ना. तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो लोग ऑटिस्टिक हैं वो लोग आके क्रिकेट खेलेंगे मैदान में. तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम आके अगर वो लोग को थोड़ा सा चेयर अप करें तो वो लोग को भी अच्छा लगेगा. तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि इधर का कि ऐसा क्रिकेट गेम मेलों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया. तो आप इंटरेस्टेड रही है कभी क्रिकेट में? हाँ इंटरेस्टेड तो थे. और जैसे हम बच्चे लोगों को जो लोग रास्ते में नशा करते हैं ना, घूमते हैं, जो लोग डेंड्राइड लेते हैं रास्ते में, तो हम उनको क्या करते हैं क्रिकेट बॉल्स और फुटबॉल्स ये सब खरीद देते हैं. तो मेरे को क्रिकेट में दिलचस्पी है, खेल में भी दिलचस्पी है, तो इसीलिए हम आए हैं देखने के लिए. और एक ब्रांड फेस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनका नाम है सीमा दास. जो मैच हो रहा है हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये खास करके जितना भी मैंने देखा है कि जो लोग नीडेड पर्सन हैं तो उन लोगों को लिए उन लोगों को आगे बढ़ाने की एक इंस्पिरेशन है. तो वही फिलहाल कर रहे हैं हम लोग भी आए हैं उन लोगों को इंस्पिरेशन देना. हमारे साथ इस वक्त स्वर्णलता है. क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड रही है? हाँ मैं खेलती हूँ. अच्छा, मैं खुद भी खेलती हूँ. गली क्रिकेट खेला मैंने कॉलेज में. So that's why it's quite excitement. मेरा नाम रवीना जायसवाल है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ. यहाँ पे तनवीर सर ने इनवाइट किया. मुझे आइडिया नहीं था कि एक गेम के साथ भी ग्लैमर को इस तरह से मिला के एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है. यहाँ पे बहुत ही मतलब एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अच्छे ढंग से एक साथ मर्ज किया गया है. तो वेरी खुद फिजिकल चैलेंज बच्चा तो एरा तो स्वाभाविक बच्चा साथ एरा पारे ना बीट करते. तो সেটাই আমার ভালো লেগেছে যে এদেরকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এদেরকেও দেখতে সবাই আসছে. যে यहां आके बहुत अच्छा लग रहा है. कांसेप्ट तो इतना अच्छा है, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इस कांसेप्ट ने भी काम हो सकता है. तो ये देख के भी मुझे अच्छा लगा और मुझे आप लोगों को सबको यहां देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश साधु खान. इसलिए हम लोग अभी नेम में स्टूडेंट है, ये एक इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग स्टूडेंट है सब. तो हम लोग को सर इधर लेके आए, मौका दिया कि हम लोग को कि इवेंट में आए एक्सपीरियंस करके कैसे होता है क्या नहीं होता है, ताकि फ्यूचर में हम लोग को आसानी हो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बिल्कुल फर्स्ट है आपके करियर के लिए, तो कितना किस हद तक आप इंस्पायर हो रहे हैं इस तरीके का काम से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने को मिल रहा है, बिकॉज हम लोग जिस एज में है, जिस ग्रुप जिस फेज में है, अभी हमें सीखना है, हमें समझना है कहाँ हमारे क्या क्या चीज़ हमें कहाँ कहाँ से ऊपर उठानी है अपने आप को. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नेम ने दिया है, जहाँ हम चार स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम ये प्लेयर्स और जो भी ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स उनके साथ मिले, उनके साथ बात करें, काम समझे कि कैसे सब लोगों को मैनेज किया जाता है. मेरा नाम अभिजीत घोष है, मैं इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट एंड फैशन इलस्ट्रेटर हूँ. मैंने अभी अपकमिंग जो मेरा शो हो रहा है कलर्स HD में, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट होता है ना, उस तरह का एक रियलिटी शो हो रहा है, उसमें मैं एज ए सेलिब्रिटी सैंड आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ. तरीके का इवेंट अटेंड करके कैसा लग रहा है, जितने सारे खिलाड़ियों के बीच में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अमेजिंग, अकॉर्डिंग टू माई व्यू अमेजिंग. And wish you good luck to all of you.